अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, किचन विद आपी में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार होने वाले मिल्कशेक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मिल्कशेक बनाने के लिए हमने हाफ बाउल चीनी, 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1.5 टेबलस्पून मैंगो टैंग, 1.5 टेबलस्पून पाइनएप्पल टैंग, 1.5 टेबलस्पून क्वेस, 1.5 टेबलस्पून जामे शीरी, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 लीटर फ्रेश मिल्क लिया है। सबसे पहले हम एक प्याली में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे और तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून पानी डालकर इसे बहुत अच्छी तरह स्पून की मदद से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। और अब हम इसे साइड में रख देंगे। एक देगची में 1 लीटर मिल्क डालकर इसमें पानी में हल्की हवा कॉर्नफ्लावर डालेंगे और फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसे फौरन स्पून की मदद से चलाएंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। 2 मिनट्स पकाने के बाद इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। एक जूसर लेंगे और इसमें 1 कप दूध डालेंगे। फिर हम इसमें 2 टेबलस्पून चीनी डालेंगे और आप इसमें आइजिंग शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। ये ऑप्शनल है और आप विदाउट मिल्क पाउडर के भी बना सकते हैं। फिर इसमें 1.5 टेबलस्पून जामे शीरी डालेंगे और इसे कवर कर देंगे और हम जूसर को सिर्फ 2 मिनट्स के लिए चलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट जामे शीरी का मिल्कशेक रेडी हो गया है और अब हम इसे एक ग्लास में सर्व करेंगे। ये मिल्कशेक देखने के साथ साथ पीने में भी बहुत मजे का है। सेकेंड मिल्कशेक बनाने के लिए हम जूसर में 1 कप मिल्क डालेंगे और 2 टेबलस्पून चीनी और आप यहां पर कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे और 1.5 टेबलस्पून मैंगो टैंग डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अब हम इसे कवर करेंगे और आप मुझसे इस रेसिपी के मुताबिक इंस्टाग्राम और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेकंड मैंगो मिल्कशेक रेडी हो रहा है और ये मिल्कशेक हमने मैंगो पाउडर फ्लेवर से बनाया है और अब हम इसे ग्लास में सर्व करेंगे। और आप ये मैंगो पाउडर मिल्कशेक हर सीजन में बना सकते हैं। क्विस मिल्कशेक बनाने के लिए 1 कप मिल्क डालेंगे और 2 टेबलस्पून चीनी डालेंगे और आप चीनी की क्वांटिटी टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और 1.5 टेबलस्पून क्विस डालेंगे और आप इस मिल्कशेक में आइसक्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब इसे कवर करके मिल्कशेक बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, क्विस मिल्कशेक रेडी हो रहा है। 2 मिनट्स बाद क्विस का ये मिल्कशेक बिल्कुल रेडी है और अब हम इसे ग्लास में सर्व करेंगे। और ये मिल्कशेक भी बहुत ही क्रीमी और मजेदार है। पाइनएप्पल मिल्कशेक बनाने के लिए जूसर में 1 कप मिल्क डालेंगे और फिर इसमें 2 टेबलस्पून चीनी डालेंगे और आप इस मिल्कशेक में फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और 1.5 टेबलस्पून पाइनएप्पल टैंग डालेंगे और इसे कवर कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल किचन विद आपी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन जल्द मिल सके। अब पाइनएप्पल मिल्कशेक रेडी है और अब हम इसे ग्लास में सर्व करेंगे। और पाइनएप्पल का ये मिल्कशेक भी बहुत ही टेस्टी और क्रीमी है। और अब हम इन मिल्कशेक्स पर स्प्रिंकल यूज करेंगे और आप इन मिल्कशेक्स को बादाम, पिस्ते, मैंगो और पाइनएप्पल के छोटे छोटे पीसेस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है। फ्रेंड्स, हमने इन मिल्कशेक्स में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं लेकिन ये मिल्कशेक बहुत ही ज्यादा टेस्टी और क्रीमी है और ये मिल्कशेक फैमिली मेंबर्स को भी बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। फ्रेंड्स, आप लोग भी इन मिल्कशेक्स को जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझसे कमेंट बॉक्स और इंस्टाग्राम पे शेयर करें। ये हमारे मिल्कशेक्स का फाइनल लुक है।
फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ किचन विद आपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।